मतलब प्लस वर्जन देखने को मिलता है स्मार्टफोन में, इसलिए इसका नाम है दोस्तों Vivo X70 Pro। सो वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। Vivo ने अपना ब्रांड न्यू स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, Vivo X70 सीरीज। Vivo X70 सीरीज में दो स्मार्टफोन लॉन्च किए, Vivo X70 Pro एंड Vivo X70 Pro प्लस। दो स्मार्टफोन दोस्तों बेस्ट फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन है, और अगर आप फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक वगैरह रखते हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए भाई साहब, और प्राइस भी उतना ज़्यादा है। Vivo X70 Pro के बारे में बात करूँ, तीन वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, और Vivo X70 Pro Plus ओनली एक वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। Vivo X70 Pro में दोस्तों 8GB 128GB, 8GB 256GB एंड 12GB 256GB में, ठीक है। और सबसे लो प्राइस यानी दोस्तों 8GB 128GB वाला आपको 47,000 में मिलता है, 8GB 256GB वाला दोस्तों आपको 50,000 एंड दोस्तों 12GB 256GB वाला दोस्तों आपको 53,000 मिलता है। हर एक स्मार्टफोन दोस्तों 10-10 रुपये कम करके भाई छोड़िए। प्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है, अगर आप चाहते हो तो जाके फ्लिपकार्ट में वगैरह चेक करते हैं इसके, या वेबसाइट में जाके ले सकते हैं। दोस्तों खासतौर पर डिस्कस करेंगे Vivo का X70 Pro Plus के बारे में। ये स्मार्टफोन 12GB 256GB वाला में आपको 80,000 में लॉन्च किया भाई साहब। 80,000 में तो स्मार्टफोन में कुछ तो अंदर है भाई, तभी ना इतना ज़्यादा प्राइस में लेके आ रहा है। तो बात करते हैं स्मार्टफोन में भाई क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों डिस्प्ले से शुरू करते हैं। डिस्प्ले आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है 6.78 इंच का दोस्तों E5 AMOLED डिस्प्ले। AMOLED डिस्प्ले यानी तो सबसे लेटेस्ट वाला डिस्प्ले है, और इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाता है 3D कप डिस्प्ले। 3D कप डिस्प्ले भाई बहुत ही बढ़िया, और AMOLED डिस्प्ले भाई लेटेस्ट वाला भाई जबरदस्त है। और इस स्मार्टफोन आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है। बहुत ही स्मूथली कोई भी ऐप अगर आप इस्तेमाल करोगे या ओपन करोगे बहुत ही स्मूथली वर्क करेगा, कोई भी इशू वगैरह नहीं है। और सबसे बड़ी बात मतलब फ्लैगशिप स्मार्टफोन में भाई ये देखने को मिलता है, हर एक स्मार्टफोन में देखने को मिलता है भाई IP68 वाटरप्रूफ रेजिस्टेंस आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है भाई। और कोई बात नहीं भाई, जाके सावर टावर में जाओ या दोस्तों घूमने किधर भी जाओ भाई, पानी पानी भी गया, कोई दिक्कत नहीं होगा इस स्मार्टफोन में। एंड बात करते हैं स्मार्टफोन का और क्या क्या देखने को मिलता है स्मार्टफोन में। सबसे पहले बात कर लेते तो इस स्मार्टफोन का वेट एंड थिम के बारे में। इस स्मार्टफोन आपको 8.89 mm का दोस्तों थिकनेस मिलता है। एंड दोस्तों वेट की बात करें थोड़ा हैवी है, बट भाई कोई बात नहीं, 213 ग्राम का दोस्तों इसका वेट है, तो थोड़ा हैवी फील होगा। एंड दोस्तों मोड में मतलब उतना नहीं भाई, ठीक ठाक है स्मार्टफोन। एंड दोस्तों लुक भाई डिसेंट नहीं बोलूंगा भाई, एक किलर लुक है। रियर में एक छोटा सा डिस्प्ले के साथ दोस्तों एक जो कैमरा देख रहे हो दोस्तों, मैट फिनिशिंग है रियर में, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स है, बट दोस्तों बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलता है स्मार्टफोन। एंड दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन में 10 bits कलर रिफ्यूजन देखने को मिलता है भाई। कलर रिफ्यूजन भाई जबरदस्त है, मतलब हर एक तरफ से मतलब प्लस वर्जन देखने को मिलता है स्मार्टफोन में, इसलिए इसका नाम है दोस्तों Vivo X70 Pro Plus। क्या दोस्तों इस स्मार्टफोन में दोस्तों प्रोसेसर के बारे में बात करूँ, स्मार्टफोन आपको Qualcomm Snapdragon 888+ दोस्तों प्रोसेसर देखने को मिलता है भाई। आपको दोस्तों 5G वेरिएंट है, ठीक है। और इस स्मार्टफोन में भाई इस चिपसेट के साथ दोस्तों आपको गेमिंग वगैरह बहुत ही धासु कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, जल्दी कोई गर्म वगैरह नहीं होगा स्मार्टफोन। ये मेरे बात नहीं भाई, कंपनी की बात है, और इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड दोस्तों कैमरे की बात करो, सबसे बड़ी और हाईलाइटेड चीज़ दोस्तों Vivo का मतलब ये तो भाई सबसे बेस्ट देखने को मिलता है स्मार्टफोन में, कैमरा क्वालिटी या दोस्तों वीडियो क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त देखने को। स्मार्टफोन में कैमरा दोस्तों जिस टी का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो भाई DSLR में देखने को मिलता है, बट इस स्मार्टफोन का सेंसर वगैरह में देखने को मिलता है। कैमरे की बात करूँ रियर में दोस्तों 4 कैमरा देके रखा है, 50 MP का मेन कैमरा, 48 MP उसके साथ 12 और 2 भी शामिल है। फ्रंट में दोस्तों 32 MP का फ्रंट, वीडियो कैपेसिटी बहुत ही अच्छा ले सकते हो दोस्तों। अगर जूम के बारे में बात करूँ तो 60x हाइपर जूम आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। जूम क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, कैमरा काफ़ी अच्छा है, और क्या क्या चाहिए। थोड़ा सा और डिटेल्स बता दूँ स्मार्टफोन का दोस्तों, बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ 4500 mAh का दोस्तों बैटरी। एंड दोस्तों इन बॉक्स में आपको मिल जाएगा दोस्तों 55W का फास्ट चार्जिंग। बहुत सारा दोस्तों फ्लैगशिप स्मार्टफोन में बॉक्स में भाई चार्जर नहीं देता, बट इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये भाई मतलब देना ही चाहिए भाई, चार्जर के लिए कहाँ कहाँ घूमे भाई, कौन सा शॉप में घूमे, कौन सा डीलर शॉप में लेके जाए, बट इस चीज़ देखने को मिलता है भाई, चार्जर इन द बॉक्स में आपको मिलेगा, ठीक है। एंड दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन का दोस्तों, डुअल स्पीकर मोड वगैरह मिलता है, एंड्रॉइड 11 सपोर्ट के साथ इंडिया में लॉन्च हुआ है। तो ऐसा सा चीज़ है दोस्तों इस स्मार्टफोन में। तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा भाई ज़्यादा लग रहा है, इसके बारे में आप कह रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। बस दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही था, ये स्मार्टफोन लॉन्च है ये बताना था आपको क्या क्या लेके आ रहा था, क्या क्या है स्मार्टफोन में, और क्या क्या भाई स्पेशलिस्ट चीज़ है। खासतौर पर स्मार्टफोन में भाई कैमरा
जबरदस्त। बट भाई डिस्प्ले में काफी इंप्रूवमेंट किया है स्मार्टफोन में। E5 एमोलेड डिस्प्ले आपको सपोर्ट मिलता है दोस्तों, 3D कर्व डिस्प्ले भी सपोर्ट है, तो काफी इंप्रूवमेंट किया है, लुक वगैरह काफी इंप्रूवमेंट किया है। तो भाई थोड़ा ज्यादा है बट कोई बात नहीं, इसके बारे में दोस्तों कम नजर में जरूर बताइए। बस दोस्तों कंप्यूटर जितने तक अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब बनता है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बंदे मातरम, सुस्त रहिए, ध्यान से रहिए एंड बाय बाय।